बट इन द इनफ क्या होता है, जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर होता है क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर फोर होते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट ऑफ बोरिंग, नेट ऑफ बोरिंग मतलब उधार को छोड़कर, नेट ऑफ बोरिंग उधार को छोड़कर, तो आपका बेटा ये जो आ जाता है आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाता है, क्या होता है आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाता है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर टैक्सेस होते थे इससे टोटल इन्वेस्टमेंट। माना वो लेसिंग जहाँ से दे दी थी भाई आपने, मैं माना भाई वो तो किसी दोस्त ने भेज दी थी। मैं भी डर गया उसे देख के, था मैंने कहा, मैंने कहा हमारी साइड में तो पहले आपकी डेट थी, अब पता नहीं चली उससे डेट थी। अरे नहीं मैंने एंड में जब सेटिंग लिखा ना कि सर नीचे वो देख लो, तो मैंने बोला देखो टोटल एक्सपेंडिचर जब टोटल शिफ्ट से बेटा ज्यादा होगा तो क्या होगा, नेट ऑफ बोरिंग ये हमेशा तो फिस्कल जो डेफिसिट होगा ना ये हमेशा नेट इक्वल होता है बोरिंग के इक्वल होता है, आपको ये बात जानना है, फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज इक्वल होगा बोरिंग के इक्वल होगा, ठीक है जी, फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज इक्वल टू बोरिंग। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, अब बेटा फिस्कल डेफिसिट को ये मैंने आपको करा दिया था लास्ट क्लास में, ये बोरिंग के इक्वल होगा, इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इससे इम्प्लीकेशन क्या होता है इकोनॉमी में, इम्प्लीकेशन जैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब फिस्कल डेफिसिट होगा तो इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो सबसे पहली जो फर्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस प्रॉब्लम का नाम होता है इन्फ्लेशन, क्या होती है बेटा इन्फ्लेशन। अब आप बोलोगे सर इन्फ्लेशन चलो इन्फ्लेशन का पॉइंट बात करते हैं, इन्फ्लेशन का पॉइंट बाहर से बताता हूँ, जो सबसे पहली प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, तो हमारी कंट्री क्या करती है किस डेफिसिट को कवर करने के लिए बोरिंग करती है, बेटा म्यूट कर लो पीछे और देखो, जब भी किसी कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट हाई होगा मतलब उस कंट्री के अंदर ऑब्वियसली बोरिंग हाई होगी, जब बोरिंग हाई होगी तो उस कंट्री बोरिंग को कवर करने की प्रॉब्लम देखिए ये ना, ये प्रॉब्लम आपको किसमें काम आएगी, किस स्टडी में काम आएगी, प्रॉब्लम किस स्टडी का जो टॉपिक आएगा वहाँ पे काम आएगी, वैसे ये कोर्स में नहीं है हमारे लेकिन केस स्टडी में टॉपिक में पूछा जाता है कौन कौन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब भी किसी कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट होगा तो उस कंट्री के अंदर क्या होगा, कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस प्रॉब्लम को बोलेंगे इन्फ्लेशन, क्या बोलेंगे इन्फ्लेशन, जब भी वैसे भी क्या होगा कभी भी इकोनॉमी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस प्रॉब्लम को बेटा नाम देंगे यहाँ पे, अच्छा बोरिंग से इन्फ्लेशन क्या है, जब भी किसी कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट होता है तो वो कंट्री बोरो ज्यादा कर लेती है, अब बोरो ज्यादा करके ना क्या करती है वहां की गवर्नमेंट उस बोरिंग को करके उस गवर्नमेंट उस बोरिंग को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करती है, पब्लिक में जब उस सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पब्लिक की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, पब्लिक की जो परचेसिंग पावर होती है, परचेसिंग जो पावर होती है वो पावर बेटा इंक्रीज हो जाती है पब्लिक, और जब पावर इंक्रीज होती है तो भाई डिमांड ज़्यादा करने लग जाता है, जब डिमांड हाई करने लगता है प्राइस का लेवल भी क्या होने लगता है बेटा हाई हो सकता है, प्राइस का लेवल भी क्या होने लगता है इसका हाई हो सकता है, तो बोरिंग करने पर गवर्नमेंट क्या करती है भाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे बढ़ता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऐसे बढ़ता है गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करती है, बोरिंग कर कर गवर्नमेंट क्या करती है इनकम को किस में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट जैसे करती है पब्लिक की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है,
पब्लिक के पर्चे से ट्रैवल फ्री होने का पब्लिक डिमांड ज्यादा करती है, डिमांड ज्यादा करती है तो उसकी इकोनॉमी के अंदर इंफ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब हर चीज में महंगी होती जाती है क्योंकि लोग पे ज्यादा इनकम आना चाहती है। जैसे आपने देखा अभी कोविड के दौरान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल चीजें हैं और उनके रेट बहुत हाई हो गए हैं। उनके रेट हाई क्यों हुए हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा सोशल वेलफेयर पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा है, सोशल वेलफेयर पर पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा, लोगों की पेंशन दार पेंशन ही बढ़ी है क्योंकि गवर्नमेंट की पेंशन ही रोकी है ना। गवर्नमेंट ने काफी पूछी रहे, काफी अलग अलग फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी गई, गवर्नमेंट ने कहा कोई बंदा लोन किस पे नहीं करेगा किस नहीं देता, तो लोग की इनकम और बच्चे बोल रहे हैं सर काफी इनकम डाउन भी हुई है, बिल्कुल डाउन हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहा है पब्लिक को। तो इसलिए आपने देखा कुछ चीजों के रेट हाई होते चले गए, जैसे सैनिटाइजर था, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, इनके रेट ऑटोमेटिक हाई होते चले गए, बट ये इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल नहीं है, नेचुरल क्लैमिटी टाइप है हमारी कंट्री के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक ट्रेंड है जो भी एक डेंजर हुआ है, बहुत ज्यादा एकदम अटैक हुआ है, पूरी कंट्री की इकोनॉमी डाउन हो गई, हमारी इकोनॉमी 20% डाउन जा चुकी है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन गवर्नमेंट अपनी जब तक पूरा पूरा क्या करें, गवर्नमेंट अपनी जब तक पूरा सपोर्ट करती है कि हम इस प्रॉब्लम से रिकवर हो सके, लेकिन लोगों ने काफ़ी चीज़ें रेट पर बोल चुका हूँ मैं, स्पेशली बस सैनिटाइजर हो गया जो जिसको एकदम रेट बहुत ज़्यादा हाई थी, आपने देखा था है, मास्क हो गया उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, तो ये किस वजह से हुआ, ये इन सब की वजह से हुआ कि लोग तो बड़ा जिससे बिजनेस बंद हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने के लिए अलग से वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी करा। जैसे गवर्नमेंट ने अभी आपको याद होगा 20 लाख करोड़ की स्कीम पास करी, 20 लाख करोड़ लोन की फॉर्म में दिया जाएगा, भाई लोन की फॉर्म में दिया जाएगा तो लोगों तक पैसा पहुँचेगा कहीं नहीं, पैसा पहुँचेगा तो उससे लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्राइस लेवल हाई हो जाएगा। इसका एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन होने पर इसका जो हमारी इकोनॉमी क्या होती है, हमारी इकोनॉमी डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी, डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी। डेब्ट ट्रैप कैसे होगा भाई, मैंने बताया था जब भी किसी कंट्री के अंदर फिजिकल डेफिसिट हाई होगा, जब भी किसी कंट्री के अंदर फिजिकल डेफिसिट हाई होगा तो उसमें वो कंट्री बोरिंग ज्यादा करेगी, वो कंट्री बोरिंग ज्यादा करेगी, जब किसी कंट्री के अंदर फिजिकल डेफिसिट हाई होगा तो कंट्री बोरिंग ज्यादा करेगी, बोरिंग ज्यादा करेगी तो बोरिंग पे इंटरेस्ट पे करने के लिए, उस बोरिंग पे इंटरेस्ट पे करने के लिए किसी ऑप्शन से बोरिंग करेगी, वो पे इंटरेस्ट पे नहीं किसी और से बोरिंग करेगी, फिर ऐसी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, उस बोरिंग को पे करने के लिए किसी और, बोरिंग पे इंटरेस्ट पे करने के लिए किसी और से बोरिंग करेगी, तो कंट्री डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी, किसमें फंस जाएगी कंट्री, कंट्री डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्री, हमारी कंट्री की फ्यूचर फॉरेन के ऊपर बेटा ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी, हमारी कंट्री की ना फ्यूचर फॉरेन के ऊपर क्या हो जाएगी, ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी। कैसी डिपेंडेंसी हो जाएगी मैं बताता हूँ आपको, इंडिया पहले बोरो करने के लिए सबसे प्राइमरी सोर्स क्या होता है, इंडिया का सबसे प्राइमरी सोर्स होता है आरबीआई, सबसे पहले इंडिया लोन लेती है आरबीआई से, अगर आरबीआई से बेटा लोन फुलफिल नहीं हो पाता, अगर उससे नहीं हो पाता तो आरबीआई एनडीए के पास जाएगा बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जाएगा, और तब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जाएगा तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया की इकोनॉमी के अंदर क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। तो डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्री, भाई हमारी इंडिया की कंट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, पहले प्राइमरी सोर्स तो आरबीआई होता है, अगर आरबीआई लोन नहीं हो पाता है क्योंकि तो इंडिया किसके पास जाती है बेटा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जाती है, जिससे हमारी कंट्री के अंदर इंडिया का फॉरेन पे इंटरफेरेंस ज्यादा, फॉरेन कंट्री का इंडिया के अंदर इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या होता है, जब किसी कंट्री के ऊपर बोरिंग का लेवल बहुत हाई होता है, किसी कंट्री के ऊपर बोरिंग बहुत हाई होती है तो उस कंट्री के अंदर बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले अगर किसी भी कंट्री के अंदर बोरिंग बहुत ज्यादा है, अगर वो कंट्री लोन ज्यादा ले ली है, अगर वो कंट्री बहुत ज्यादा लोन ले ली है तो उस कंट्री पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मेरी बात दोबारा सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई कंट्री बेटा बहुत ज्यादा लोन ले ली है, तो उस कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा लोन ले रही है तो उस कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट का लेवल डिक्रीज हो जाता है। यदि जैसे इंडिया बहुत ज्यादा बोरिंग कर चुकी है
तो इंडिया के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, तो इट इज क्राउड जॉब इफेक्ट। तो हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट देखा जाएगा, क्राउड जॉब इफेक्ट देखा जाएगा, हमारी कंट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम किसी वजह से फेस करनी पड़ी थी डेवलप स्टेट। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक के सारे पॉइंट, किसी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर से बोरिंग करती है और उसे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पब्लिक की परचेसिंग पावर से पब्लिक डिमांड करता है, प्राइस लेवल हाई होने लग जाता है। भाई फिस्कल डेफिसिट को ऐसे बोरिंग ज्यादा करनी पड़ती है, उसको इंटरेस्ट पे करनी है, किसी और से बोरिंग करनी पड़ती है, डेट ट्रैप चलने लगता है और ये डेट ट्रैप में फंस जाती है। ठीक है, डेट ट्रैप मैंने आपको पढ़ाया था इंडियन इकोनॉमी, मैं आपको जानूंगा डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्री। इंडिया की जो फॉरेन कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। पहले इंडिया क्या करती है, लोन लेती है आर्मी से, अगर आर्मी से लोन नहीं हो पाता तो इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेती है। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंट्री को लोन देता है तो हमारी कंट्री के अंदर क्या करता है, बेटा इंटरफेयर करता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगी उसके अंदर, वो बोलेगा जो टैक्स रेट के अंदर पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी हर चीज में इंटरफेयर करेगा यार की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लो यूके से हमने लोन ले लिया तो यूके हमारी कंट्री के अंदर आके हमेशा हमें टॉर्चर करेगा किसी न किसी तरीके से, ग्राउंड में इफेक्ट पता चल गया है। अगर हमारी कंट्री में बोरिंग ज्यादा कर रखा होगा तो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट का लेवल डिक्रीज हो जाता है, इसी प्रोसेस में प्रॉब्लम हो। ठीक है बेटा, तो ये कुछ प्रॉब्लम मैंने बताई जो इससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, जो ग्रोथ होगी वो डिक्रीज हो जाती है, फ्यूचर ग्रोथ क्या हो जाएगी, वो भी हमारी डाउन चली जाएगी, जो फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ है वो भी डाउन चली जाएगी। क्योंकि हम देखो आज मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट ने लोन ले दिया, बहुत सारा लोन लेके मोदी गवर्नमेंट चली गई 5 साल बाद, तो आने वाली जनरेशन आप लोग इसको लोन को पे करोगे तो हमारी आने वाली जनरेशन है भाई उसको तो चुकाना पड़ेगा, तो हमारी आने वाली फ्यूचर की ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा, डाउन हो जाएगी ड्यू टू बोरिंग, ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट। इसलिए कैसा आ जाता है, कोई कंट्री कोई सा भी लोन मतलब कोई सा भी डेफिसिट कर ले, अगर फिस्कल डेफिसिट हाई हो गया कंट्री के अंदर तो कंट्री बर्बाद होने लग जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्री बोरिंग कर रखा होता है। तो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है चीजें आपको समझने में, आपको शायद इन वर्डों का मतलब भी अच्छे से पता चल गया होगा, प्रॉब्लम और इफेक्ट क्या होता है ये वगैरह, है ना। तो ये सब चीजें आपको अभी काम नहीं है, आपकी आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी आगे। बेटा ये समझ आ रहा है, रख कर दोस्तों। यस सर। सर ये फर्स्ट पॉइंट में जो गवर्नमेंट है वो बोरिंग करती है और पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है, सर वो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती हो? बेटा सब्सिडी की फॉर्म में, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन की फॉर्म में, स्कॉलरशिप की फॉर्म में, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जैसे टैक्सेस होते हैं उस टैक्स के अंदर रिडक्शन कर देती है, तो वो पैसा पब्लिक तक ही पहुंच जाता है किसी न किसी वे में। जैसे आप मान लो 10 रुपए टैक्स भरते हो, गवर्नमेंट ने आपको 5 रुपए की सब्सिडी दे दी, तो आप टैक्स कितना भरोगे? 5 रुपए भरोगे तो आपके एक्स्ट्रा कितने रह गए? 5 रुपए तो आपका सरप्लस हो गया ना, बस तो आपकी इनकम तो क्या हो गई, बढ़ नहीं गई? पहले आपकी इनकम कम थी, पहले आपके 5 रुपए बचते थे, पहले आप 10 का टैक्स भरते थे, अब गवर्नमेंट ने 5 की आपको सब्सिडी दे दी ना, तो आपको 5 रुपए सरप्लस हो गए। और बात यहाँ पे एक इंसान की नहीं, पूरे भारत देश की बात है, जब पूरे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट टैक्स करती है तो सबकी इनकम कहीं ना कहीं इफेक्ट होने लग जाती है, भाई इनकम बढ़ने लग जाती है, इनकम बढ़ती है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, जिससे कि कुछ भाई देखो गुड्स को इंक्रीज करना बहुत डिफिकल्ट काम है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन इनकम इंक्रीज करना बहुत सिंपल काम है। किसी इनकम बढ़ानी तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स कम कर देगी, है ना, या सब्सिडी दे देगी, तो जिसके थ्रू बेटे वो क्या करते हैं डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं और परचेसिंग पावर बढ़ने की वजह से डिमांड ज्यादा करते हैं, प्राइस का लेवल भी मतलब प्राइस का लेवल पुशअप होने लगता है, हाई होने लग जाता है। भाई यस सर, मानव बताओगे क्या है पॉइंट? यस सर, मानव समझ आए पॉइंट क्या बताया मैंने? यस सर आ गए सर। चलो यार आज मैं पूछूंगा नहीं, मैं पूछूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा सर, है ना। इसको वैसे आप नोट डाउन कर लेना अपने समझने के लिए, सही है, नहीं तो वैसे आपको स्पेशली फॉर्मूला करना है, फॉर्मूला ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पर सर अभी इंडिया का जो फिस्कल डिफॉल्ट वो है, हाँ बहुत हाई हो रखा है, बहुत हाई हो रखा है, हाँ बहुत ज्यादा हाई है। देखिए और आपको एक बात और बताऊं बेटा, मैं ना आपको 15 दिसंबर तक, जैसे मान लो आपका एक यूनिट पीसी टेस्ट दी आपकी, है ना, मैंने बताया था कि मई वाला बैच है, 15 दिसंबर को देखो आज जैसे मानव ने डेट शीट दे दी, जैसे मैं बताऊँ वो मुझे पहले पता था, एक है डेट शीट, सबसे पहले आएगी तो हमारे पास ही आएगी,
मैं सबसे पहले डाल दूंगा आज जैसे बुक टाइम मेरे पे मैंने आपको भेज दी कुछ सैंपल पेपर वगैरह जो भी आ रहे हैं मैं भेजता रहूंगा आपको है ना। तो जैसे कोई भी अगर आप ध्यान देना 15 मैं अपने आपके बारे में बता रहा हूँ अपने बारे में 15 दिसंबर तक मैं आपको एक डेट शीट भेज दूंगा। वो डेट शीट तो मैंने पहले ही बताई है, ये डेट शीट मैं भेजूंगा जो आपको, ये डेट शीट बेटा आपके जो टेस्ट वगैरह जितने भी मुझे लेने हैं उन टेस्टों पे भाई सच बता रहा हूँ फोकस कर लेना अच्छे से, क्योंकि मैं संडे के दिन भी आपकी हर संडे इसलिए क्लास लूंगा ताकि आप लोग इक्वल हो जाओ किसके, जो आपका मई वाला बैच चल रहा है ठीक है। मई वाले बैच का ऑलमोस्ट इस मंथ में मैं उनकी मैक्रो पूरी खत्म करा दूंगा और ईडी ड्रॉइंग के भी एक चैप्टर जरूर करा दूंगा, एक उनके 2-3 चैप्टर तो बचे हैं इस ड्रॉइंग के, 3-4 चैप्टर है उनके बस होते ही रहती फिर दो क्वेश्चन है, क्योंकि मेन खेल होता है सारा टेस्ट का, आप निशान करते पढ़ लो कितना अच्छा या अपने आप कितना अच्छा पढ़ लो, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं लोगे और ये टेस्ट पेपर की आंसर की भी बनाई है इस बार तो मैंने, जैसे टेस्ट हो करेगा तो मैं उसकी आंसर की भी भेज दिया करूँगा आपको, जिससे कि आपको मतलब सारे आंसर नहीं होंगे मेन मेन आंसर होंगे जो डिफिकल्ट आंसर होंगे, जिन आंसरों को आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो बाद में, और बताऊंगा अभी कि किस तरीके से सॉल्व करना था ये सब होता तो मैं वो भी टाइप करने में लग गया हूँ आजकल आंसर भी, क्योंकि पहले प्रॉब्लम होती थी ना क्लास में सॉल्व कराना पड़ता था, तो सॉल्व तो कराऊंगा मैं लेकिन कुछ आंसर होते हैं थ्योरी के लिए जिन्हें अगर लिख लिया गया तो मैं उनको भी टाइप करते चल रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो है ना। तो ये जो टेस्ट है बेटा इनकी टेस्ट की डेट शीट मैं आपको दे दूंगा 15 दिसंबर तक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं अपने जो मैं आपको बोलूंगा मैं बार बार यही बोलते चल रहा हूँ आपसे, आप अपने माइंड में ये सेट करके चलो कि मार्च में एग्जाम है आपका, अगर आप सोचोगे कहीं जैसे मैं खुद बहुत मुझे पता है अप्रैल में होने वाला है एग्जाम, लेकिन आप अपने दिमाग को ये सेट करके चलो मार्च में ही है एग्जाम, क्योंकि मैं चाहता हूँ फरवरी तक आप समझ के टेस्ट देखे अच्छे से सेट हो जाओ, फरवरी तक आप लोग टेस्ट वगैरह देखे ना सब अच्छे से सेट हो जाओ, उसके बाद मेरे ऊपर प्रेशर ना हो ना आपके ऊपर प्रेशर हो, आराम से स्टडी करो और आराम से मतलब जो बैच में जितना का डिवीजन वगैरह करवाने डिवीजन कराते हैं ताकि मैं बैच वैसे भी बंद कर देता हूँ फैब में, बंद करने का मतलब कोई बोर्ड आ जाते थे तो मैं छुट्टी कर देता था फैब में है ना, और मार्च में तो मैं कराता रहता था जितना भी होता था। नहीं आप सबको मैं इतना ही सजेस्ट करूँगा अपने दिमाग में आप फरवरी तक का ही सोचो और अपने टेस्ट प्रॉपर दे दो और जैसे भी है आप लोग देख सकते हो, और अभी जितने टेस्ट चैप्टर आपके हो चुके हैं अब मैं इनकी भी टेस्ट टाइप वो बना दूंगा लिस्ट 2-3 दिन में, इनकी भी मैं आपके जल्दी से आपके टेस्ट चेक करके पहले वाले को चेक हो गए आपके वैसे भी डाली चाहिए दूसरे वैसे भी डाल दी है ना, तो अब जितने भी टेस्ट चैप्टर है उनकी भी इंडिविजुअली टेस्ट भी लेना शुरू कर दूंगा मैं ताकि आप सब बच्चे अब वो क्लास में टेस्ट नहीं होगा अदर डे नहीं हो जाएगा करें, कभी भी आप पीटीएफ बना के डाल देगा मैं जब आपका मन करे, जैसे आपकी टीटीएस क्लास होती है तो उसमें जब भी टेस्ट बचूंगा एम डेलोस में रखूंगा तो आप कभी भी डाल देना पीटीएफ बना के ग्रुप में तो डालना है ठीक है। अब देखिए दर्शन अभी लास्ट का था प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट बहुत सिंपल होता है बेटा, देखिए प्राइमरी डेफिसिट करते समय यहाँ पे बच्चों प्राइमरी डेफिसिट का मींस होता है जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है एक्चुअली, फिजिकल डेफिसिट का मतलब अभी मैंने पीछे आप सब बच्चों को बताया कि भाई बोरिंग होता है ये बोरिंग होता है, एक बच्चे ने कहा सर बोरिंग को एक्सेल में एक्सप्लेन करो आप, मैंने कहा बोरिंग का मतलब ये है सिंपल सा आपने भाई किसी से 10,000 रुपीज बोरिंग लिया ये बिल्कुल गलत होता है, ये बोरिंग गलत होता है पता है। अभी ना मैंने अभी मैं आपको बताता हूँ मैं होम लोन ले रहा था अभी मैं होम लोन ले रहा था कुछ दिनों पहले तो मैंने अप्लाई करा 20 लाख रुपए का लोन, मेरा 20 लाख के लोन की नीड हो रही थी मुझे 20 लाख काम पकड़ देते तो मैंने कहा 20 लाख के लिए अप्लाई करा मैंने, तो बैंक ने मुझे क्या बोला क्या बैंक ने कहा सही है आपको पर मंथ 20,000 की किस्त बना देते हैं आपकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं और ये आपकी मतलब पर ईयर में एक 20 सालों तक उन्होंने कहा 20 ईयर की आप इंस्टॉलमेंट बना देते उन्होंने मेरी कितने की 20,000 तो मेरा बताऊँ क्या बना था देखो अगर आपको मैं बताऊँ तो एक साल में मैं कितने पे कर रहा था 2,40,000 मैं उनको पे कर रहा था बैंक वालों और जो 20 ईयर में कितने हो जाएंगे 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ उसको तो कितना हो जाएगा 48 लाख। अब सोचो मैंने लोन कितना लिया है, लोन तो मैंने 20 लाख का लिया है लेकिन मैंने 20 लाख का लोन नहीं लिया भाई, लोन लिया है मैंने 48 लाख का क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट भी जोड़ दिया उन लोगों ने, जो आप कभी बैंक से लोन लोगे ना तो लोन के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मुबारक कर देंगे पहले दिन, तो उसके अंदर आप 20% जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी उसके अंदर इंटरेस्ट भी ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, तो बोरिंग आपकी 20 लाख नहीं मानी जाएगी, कितनी मानी जाएगी 48 लाख मानी जाएगी बोरिंग, पहले आपको समझ आ रही मेरी बात से क्या बोल रहा हूँ। यस सर बताऊँ काफी बच्चों को पता ही नहीं होता है इन चीजों के बारे में तो थोड़ा ये पता भी चल जाएगा आपको, मुझे तो पता नहीं था जब मैं इसलिए फेस करता हूँ जब धीरे धीरे मुझे भी पता चलती है
तो हम लोग यही मानते हैं 20 लाख का लोन ले रखा है, 20 लाख का लोन ले रखा है भाई। अगर कोई बंदा कहता ना मैं 10 लाख का लोन लिया तो मैं 10 लाख का लोन ले लिया होगा, उसके तो 25 लाख का लोन ले रखा हो, उसके इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा भाई उसे। तो इसलिए क्या होता है जो आपका लोन होता है वो लोन आंसर में 20 लाख नहीं होता, वो लोन आंसर का 48 लाख होता है। तो जो फिजिकल डेप्रिशिएट है ये असल में 48 लाख ही है, ये बोरिंग है, ये बोरिंग है, फिर आपको इसमें पे करना है बैंक को। लेकिन अगर आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देते हो, अगर इंटरेस्ट पेमेंट आप माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा, अगर फिजिकल डेफिसिट में मतलब एवरी मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हो तो यू गेट प्राइमरी डेफिसिट, तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा। तो अगर आपका 28 लाख क्या था इंटरेस्ट था, तो आपका एक्चुअल लोन कितना ले रखा है आपने, एक्चुअल लोन ले रखा है 28 लाख का। तो 28 लाख क्या होता है, इट इज प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ये फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का डिफरेंस होता है कि आप प्राइमरी डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो। हमारा बेटा समझ में, तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। फिजिकल डेफिसिट के लिए आप बोरिंग वर्ड यूज कर सकते हो, बोरिंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बोरिंग में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दोगे देन यू गेट प्राइमरी डेफिसिट, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, प्राइमरी डेफिसिट। सर सर वो प्राइमरी डिफिसिट जो बैंक ने 20 लाख दिए थे वही तो प्राइमरी डिफिसिट होंगे, और लोन तो हमारा इंटरेस्ट के साथ होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, इसको रफ कर लूँ मैं, ये आपका प्राइमरी डिफिसिट होता है। इसका इम्प्लीकेशन कुछ नहीं है, इम्प्लीकेशन तो ये बस ये बताता है करंट स्टेटस को बताता है, एट प्रेजेंट आपने कितना लोन ले रखा है, आपका इंटरेस्ट आपको कितना लोन ले रखा है। जैसे मैंने बताया इसका आपने प्रेजेंट कितने का लोन लिया, एक्चुअल में 20 लाख का लोन लिया, जो आपका प्रेजेंट स्टेटस बताता है वो कौन बताता है, प्राइमरी डेफिसिट बताता है। बच्चों तब कर दो उसको। यस सर, यस सर। चलिए अब आप लोगों की कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होगी। जो इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट होता है, मैं एक बैच में सबसे पहले खतरनाक नुमाई भी करा दिया था, तो एग्जाम में आए हुए नुमाई करे तो बच्चों का सबका गलत हो गया, तो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, और कैसे भी मुझे वो याद है इनका मेथड एक्सपेंडिक्स वाला, वो जरूर कराऊंगा मैं, जबकि वो है उन्होंने मर्ज करके देखा है डिस्पोजेबल इनकम का, लेकिन मैं उसे कराऊंगा, मुझे याद रहता है हर क्लास में जब आपकी बैच में आता हूँ। चलिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको प्राइमरी डेफिसिट दिया है 4400 करोड़ दिया, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट दिया 4400 करोड़, और इंटरेस्ट पेमेंट दिया आपको 400 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट दिया है 400 करोड़। ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, कुछ वन मार्क का पूछा गया है, तो फिजिकल डेफिसिट निकालना है, फिजिकल डेफिसिट निकालना है। जल्दबाजी में गलत आगे लग गया, किसका गलत है, साहिल आपका रॉन्ग है, आदित्य का सही है, दृष्टि का सही है, मानव का सही है, दीपक का सही है, नमन का सही हो गया है बाद में, सचिन का सही है, बेटा देखो इतना टाइम देना नहीं था क्वेश्चन में, आपको प्राइमरी डेफिसिट गिवन है, पहले फॉर्मूले से लो जो गिवन है,
पैमेंट एफिशिएंट का फॉर्मूला आता है फिस्कल एफिशिएंट गौतम का सही है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है तो प्राइवेट एफिशिएंट कितना दिया 4400 फिस्कल एफिशिएंट आपको निकालना है इंटरेस्ट पेमेंट कितना दिया 400 माइनस का 400 इज इधर रिएक्टेंट प्लस का हो जाएगा तो 4800 आंसर आएगा ठीक है जी तो ये है बता 4800 आंसर था इसका अब देखिए आपको तीनों डेफिशिएंट निकालने हैं रिवेन्यू डेफिशिएंट भी निकालना है फिस्कल डेफिशिएंट भी निकालना है प्राइमरी डेफिशिएंट भी निकालना है तो आपको क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है आपको टैक्स रिवेन्यू गिवन है आपको 47 कैपिटल रिसिप्ट आपको गिवन है कैपिटल रिसिप्ट गिवन है 34 नॉन टैक्स रिवेन्यू गिवन है आपको 10 बोरिंग आपको गिवन है 32 रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको गिवन है 80 इंटरेस्ट पेमेंट आपको गिवन है 20 ये गिवन है आपको तो करिए इसको सॉल्व गौतम का भी सही है तीनों डेफिशिएंट निकालने हैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने पहले वाला आपको एक साथ आंसर लिख के भेजना तीनों के ना अलग अलग भेजोगे तो चेक करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी आप तीनों का आंसर एक साथ लिख के भेजो जैसे पीडी आरडी ऐसे तीनों का आंसर एक साथ लिख के भेजोगे तो ज्यादा सही रहेगा साहिल बच्चा तीनों का आंसर एक साथ लिख के भेजो आप यार सर एक बार फॉर्मूला बता दो सर फॉर्मूला बता दो सर उसका रेवेन्यू डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहे हो मानो लिखा नहीं था क्या आपने जब भी बोलता हूँ क्लास में नोट कर ले करो यस सर अभी मैं सॉल्व करता हूँ यार तीन फॉर्मूले तो हैं इसमें देखो रेवेन्यू डिफरेंट है एक फिस्कल डेफिसिट है और एक प्राइमरी डेफिसिट है तो रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है आपको ये दे रखा है 80 और रिवेन्यू रिसीव्ड क्या होती थी इसके अंदर दो रिसीव्ड होती थी टैक्स और नॉन टैक्स टैक्स ये दे रखा है नॉन टैक्स ये दे रखा है तो 47 प्लस
देखिए बच्चों, आप सिंगल सिंगल आंसर भेज रहे हो ना, मुझे चेक करने बहुत प्रॉब्लम होती है, एक बार लिख के भेज रहा हूँ आंसर। अभी ये चेक कर लो पहले अपना आंसर, सब बच्चे 80 में से बेटा आप 57 को लेस करोगे तो आंसर आएगा 20। ठीक है, पहला आंसर होगा 23। अब फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल डिफ, और ब्रैक में लिखते हैं नेट ऑफ बोरिंग, नेट ऑफ बोरिंग मतलब बोरिंग को आपको नहीं देना। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर के दो एक्सपेंडिचर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है या दे नहीं रखा है तो कहीं अभी तो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आपको मैंने एक बात और बोली थी, फिजिकल डेफिसिट हमेशा किससे इक्वल होता है, बोरिंग के इक्वल होता है, किससे इक्वल होता है बोरिंग के। आपको बोरिंग सीधा आंसर ही दे रखा है, 32 दे रखा है इन्होंने आंसर। अब वो सॉल्व भी नहीं करना यार, सेकंड वाले में तो फिजिकल डेफिसिट में आपको बोरिंग पूरी दे रखी है तो आप 32 रख दो बस। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिजिकल डेफिसिट कितना है 32 और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 20, तो आपका आंसर 12 आ गया। ठीक है जी बच्चों, सही आया है किसी का? नमन क्या कर रहे हो यार? यस यस सर, यस सर। नमन कैसे निकल पा रहा है आंसर? भाई बोरिंग को फिजिकल फिजिकल डिपॉजिट में माना तो वो नहीं रखा ना आपको। अब टोटल एक्सपेंडिचर के दो एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू तो दिया, कैपिटल तो नहीं रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं। इसमें भी बेटा तीनों डेफिसिट निकालने हैं, इसमें भी तीनों डेफिसिट निकालने हैं, प्राइमरी डेफिसिट, सॉरी रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट और लास्ट प्राइमरी डेफिसिट। तो आपका कैपिटल शिफ्ट नेट ऑफ बोरिंग, कैपिटल शिफ्ट नेट ऑफ बोरिंग, नेट ऑफ बोरिंग, कैपिटल शिफ्ट नेट ऑफ बोरिंग कितने 95 है। ठीक है, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको है 100, इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट है आपका 10 और रिवेन्यू रिसिप्ट है आपकी RR मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट समझ जाना थोड़ा, ये 80 है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका करो जल्दी। कितने का आ गया भाई आंसर? और बच्चे भी भेजो। प्रियंका सिंगल सिंगल आंसर मत भेजो, एक साथ भेजो। आदित्य का आ गया,
का और मिट्टी का सही है अभी। और आदित्य आपके गलत हैं, आंसर आपका एक आंसर सही है और गलत है, प्रियंका आपका भी रॉन्ग है। शोएब का सही है, शोएब का सब सही है। सचिन किसको मैसेज कर रहा है तो? सर आप ही को भेज रहा हूँ सर, आगे बता रहा हूँ, आंसर भेज रहा हूँ ना। कुछ और लिख दिया तूने, मैं तुम देख ले जान क्या कर रहा है भाई। देखो बेटा इधर देखना, तो बच्चे अब रिवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे क्या होता है बेटा, क्या होता है रिवेन्यू डेफिसिट है जैसे हमारा, इधर देखना सब बच्चे देखो, रिवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया है आपको 100 और रिवेन्यू रिसिप्ट कितने दिए है आपको 80, तो पहला आंसर तो आपके सामने 20 रखा ही है। हाँ भाई सही है, खुशी आ रहा है, टोटल रिसिप्ट के अंदर दो रिसिप्ट आती है, रिवेन्यू रिसिप्ट आती है और कैपिटल रिसिप्ट आती है, तो 80 और 95, ये नेट ऑफ बोरिंग का मतलब होता है जिसमें बोरिंग इंक्लूड नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरिंग लिखा है ना, तो ये 210 हो गया, 210 माइनस 95 और 85 कितना होगा 175 को लेस करेंगे तो 35 आंसर होगा। अब बेटा फिस्कल डेफिसिट आपका आ गया 35 और इंटरेस्ट की आपकी 10 है, तो 35 में था 10 को लेस करोगे तो आंसर आएगा 25। ये आंसर शायद दीक्षा का सही था और किसका सही था, तशीफ खंडेलवाल का सही था और किसका सही है, और तो ऑलमोस्ट रिवेन्यू डेफिसिट सबका सही है भाई, तो भाई जो सिंपल वाला वो सबका सही आ रहा है यार, थोड़ा तो एफर्ट मारना पड़ेगा ना, देख लो देखते हैं नहीं सर क्या कर रहा है। निखिल और आयुष तुम लोग नेशनल इनकम चल रहा है वहां पर ऑफलाइन में जैन इस पे आ जाए करो, 11:30 की क्लास होती है एमडब्ल्यूएस में। हाँ एमडब्ल्यूएफ में होती है ना, तो कल आ जाना अपना, बच्चों मिटा दूं उसको, गप कर दूं। यस सर। क्या बड़ा दुख तो हो रहा है आंसर निकाल लिया तुम लोग सिंपल क्वेश्चन का भी, क्या अब इसमें आपको दो चीजें निकालनी है, अब ये वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे करना पड़ेगा इसमें भी थोड़ा नहीं तो, आपको इसमें निकालना है फिस्कल डेफिसिट निकालना है और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 70,000 ठीक है, और आपको बोरिंग दे रखी है, आपको बोरिंग आपको गिवन है 15,000 ये सब लोग है आपको, और रिवेन्यू रिसिप्ट गिवन है आपको, रिवेन्यू रिसिप्ट गिवन है आपको 50,000 और इंटरेस्ट गिवन है आपको
इंटरेस्ट गिवन है 25% ऑफ 25% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट 25% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। बच्चों ये क्वेश्चन समझ से करने की कोशिश करना भाई, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। सर जो फिजिकल डेफिसिट है उसका 25% निकालना ना। हाँ वो तो रिवेन्यू डेफिसिट है, वो नहीं फिजिकल डेफिसिट नहीं, इंटरेस्ट है ना, जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट रिवेन्यू डेफिसिट का 25% है, तो आपको पहले रिवेन्यू डेफिसिट को निकालना पड़ेगा ही। ओके सर ओके। भाई सर कौन आंसर भेजेगा, निखिल ने आंसर भेजा है। अरे काफी अच्छा आंसर भेज दिया एक बार तो, तीन बड़ा खतरनाक तरीके से आंसर भेजा एक बार, तीन के टेन के फिफ्टीन के का आंसर भी 15,000-10,000 है, मानव का आंसर 15,000-20,000 है और निखिल का आंसर है 15,000-2,500, आदित्य का आंसर 15,000-10,000 है, साहिल का आंसर 15,000 है और दीपक का भी आंसर 15,000 है, नमन का भी है ना, ऑलमोस्ट सब बच्चों का सेम आंसर है तो सही होगा सब बच्चों, साहिल का भी आंसर सही है, देखते हैं चेक करके इस क्वेश्चन को। देखिए आपको क्या जीवन है बेटा, देखो बच्चों आपको सबसे पहले आप उसका डेफिसिट आपको ऑलरेडी गिवन है, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरिंग के होता है, तो ये बोरिंग के इक्वल होता है ना, कितना गिवन है आपको 15,000 गिवन है, 15,000 गिवन है ठीक है। अब भाई प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट कितने गिवन है 15,000 और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट है 25% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट, तो आपको रिवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने की बने 70,000 माइनस 50,000, रिवेन्यू डेफिसिट नहीं करना 50,000, 20,000 हो गया। अब इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट का 25% निकालेंगे, तो 20,000 का 20,000 का 25% निकालेंगे कितना आएगा, 25,000 यहाँ पर लग देंगे आप, अब बेटा 15,000 में 5,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा 10,000 आंसर होगा, बहुत बढ़िया आंसर निकाला भाई। तो बच्चों थोड़ा समझ आया आपको, तुम्हें क्या ये कितना गलता है, मानव आपका गलता रहा भाई, मानव मिस्टेक चेक करो क्या गलती कर रहे हो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक पीएसयू क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास सर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गलत है, वो रेवेन्यू डेफिसिट गलत नहीं होता। हां बस आपका एक क्या कहते हैं इसके ऑब्जेक्टिव रह गए, मैं सारा सेंड कर रहा हूं आप ग्रुप के अंदर ना, नोट से चैप्टर आपका फिनिश हो गया है ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले चैप्टर का एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है वो 10 मिनट में बता दूंगा और एक न्यूमेरिकल बताना है, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका ठीक है, ट्यूसडे से।
और बेटा किसी को डाउट होगा तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना। अब मैं पहले एक इंडिविजुअल टेस्ट की लिस्ट बनाऊंगा आपको, जो जो टेस्ट लेने ना चैप्टर के, जैसे एलपीजी का तो हो गया आपका, अब बजट का लेंगे सब बच्चों का टेस्ट, क्योंकि बजट का सब बच्चों का हो चुका है, तो बजट का एक टेस्ट बनाया मैंने, बजट का टेस्ट भेज दूंगा, मतलब इस वीक के लास्ट में होगा। अब ये आप क्लास में नहीं होगा, क्लास में कभी तो टेस्ट नहीं होगा आपका, एक बच्चा आप क्लास ज्वाइन कर रहा है कि आपका मार्च में हो जाए, नहीं तो 98% अप्रैल में। क्योंकि स्कूल के अंदर ना रोज नई नोटिफिकेशन आती है वहाँ से बोर्ड से कि बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। अब वो आपको चल रहा है ना आजकल, तो प्रैक्टिकल का काम चल रहा है, तो मुझे स्कूल में स्पेशल 11th क्लास दे रखी है आजकल, तो 11th क्लास को पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, तो 11th क्लास के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब वहाँ पे मतलब इवन ये देख लो, हम तो लिंक शेयर कर देते हैं, मैं हफ्ते में 2 दिन पढ़ाता हूँ, और बस स्कूल जाना होता है, तो वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह करके आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या नेक्स्ट मंथ से मेरी थोड़ा काम बढ़ जाए मेरा भी। ओके सर, थैंक यू, बाय बेटा।